अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा, आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर छुपे होंगे, तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। भय बिनु होइ न प्रीति, ये जो प्रीति है ये बिना भय के नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 1947 में पाकिस्तान बड़े ठसक के साथ बना था, भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था। जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा भूभाग मिला, बहुत खुला था, उर्वरा भूमि मिली। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कुल आबादी 2320 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम है। और बहनों और भाइयों, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से और यहां पर पिछले 20 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं। अगले 5 वर्ष तक ये जारी रहेगा। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आप भी कह सकते हैं हमने भारत का वह दौर देखा है जो विकसित भारत की आधारशिला बनता था। आप में से हर व्यक्ति इस गौरव की अनुभूति कर सकता है, आने वाली पीढ़ी को बता सकता है कि हम भी इसमें योगदान किए हैं। किसी ने वोट दे करके कोई हनुमान बनकर के काम किया होगा, कोई जामवंत बनकर काम किया होगा, कोई इंदक बनकर के काम किया होगा, और किसी ने गिलहरी की तरह ही अपना योगदान दे करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया होगा। और ये कहने के लिए हम सबके पास एक अवसर होगा और इसी का आह्वान करने के लिए